नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आज से जून महीने की मतलब जो मंथली रीडिंग होती है सभी साइन की, वो लेकर आ रही हूँ। तो मैं तत्व वाइज लेकर आ रही हूँ। आज हम लेकर आ रहे हैं जल तत्व। जल तत्व की तीन राशियाँ होती है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये इस तरीके से होती है कि कर्क राशि 4 नंबर की राशि है, वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि है और मीन राशि जो है वो 12वें नंबर की राशि है। तो हम इनका जून के महीने में इनकी एनर्जी क्या रहेगी, हम ये देखते हैं। कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा हम देखते हैं। तो जून के महीने में उनकी स्थिति ऐसी रहेगी कि उनको अपने उनके अंदर जो क्वालिटी है उनके अंदर, जैसे हम इस कार्ड को इस तरीके से लेते हैं कि ये इन सब में ऐसा लग रहा है उसको कि वो अपनी पर्सनालिटी खो रहा है, पर ऐसा नहीं है। उनको अपने अंदर, उनको अपने इनर से बहुत ही पॉजिटिव चीज निकालना है, तो उनको अपनी कंडीशनिंग करनी है। उसके बाद फिर उनको उसका कार्ड आया है थंडरबोल्ट। इसको हम एक टावर कार्ड के रूप में लेते हैं जो कि पॉजिटिव भी रहता है। तो ये अगर इनकी कंडीशनिंग होती है उसके बाद वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी में वो आएंगे और जो भी निगेटिव चीज है उस पर उनको कंट्रोल करना है। अपनी जो निगेटिव हैबिट्स है, निगेटिव चीज है, उस पर उनको कंट्रोल करना है। और उनको दो राह में जो सोच रहे हैं पॉलिटिक्स का, यहाँ पर मेरे को क्योंकि हर कार्ड का अलग मीनिंग होता है हर इंसान के लिए, तो पॉलिटिक्स का कार्ड इस तरीके से आ रहा है कि वो दो चीज सोच रहे हैं। उनको दो चीज नहीं सोचना है, उनको एक ही चीज सोचना है। अगर वो एक चीज अच्छे तरीके से करते हैं ये सारी चीजें करने के बाद, तभी उनके अंदर पॉजिटिव जो है वाइब्स आएगी। और पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर जून के 15 मतलब मिड जून के बाद से उनके अंदर ये सारी अच्छी कंडीशनिंग होने के बाद उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाएंगी। और वो जो सौरों में है, अभी वो सौरों में रहेंगे कुछ टाइम तक, तो वो उदास हैं, वो परेशान हैं, जबकि उनके अंदर बहुत कुछ है। तो उनको अपने अंदर खुद भी जानना है कि उनके अंदर क्या अच्छी चीज है और उसको उनको लेकर आना है। तो इस तरीके से कर्क राशि वालों को ये सारे काम अपने ही ऊपर करने हैं उनको, और उसके बाद उनको गोइंग विद द फ्लो में चलना है। जो हो रहा है सब भगवान के ऊपर छोड़ के सब अपना कर्म करते रहना है उनको बहुत अच्छे तरीके से। और कर्क राशि वालों के लिए एडवाइस कार्ड बहुत ही अच्छा आया है। मैंने इनके लिए एडवाइस कार्ड जब सफल किया तो सेलिब्रेशन कार्ड आया है। ये अपने ऊपर ये सारे कार्य करते हैं, उसके बाद जून के महीने में उनके लिए सेलिब्रेशन कार्ड आया है जो कि सफलता का द्योतक है। अगर वो स्टूडेंट है तो उनका रिजल्ट निकल सकता है। अगर वो फैमिली गेट टुगेदर कर सकते हैं, अभी वो बड़ी पार्टी नहीं कर सकते तो छोटी पार्टी कर सकते हैं। वो अपने कार्य में अगर वो काम करते हैं तो अपने वर्किंग प्लेस में उनको कुछ प्रमोशन प्राप्त हो सकता है और कुछ बहुत अच्छा उनके लाइफ में सेलिब्रेशन की तरह, एक सफलता की तरह आएगा। तो ये उनका एडवाइस कार्ड है। अगर वो अपने ऊपर ये कार्य करते हैं तो उनको सफलता जरूर मिलेगी। ये रही कर्क राशि के जून महीने की एनर्जी। अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि जो कि जल तत्व राशि है, स्कॉर्पियो, उनका जून का जो एनर्जी रहेगा वो कैसा रहेगा। तो उनके जून के एनर्जी में आ रहा है कि उनके में भी ये है कि थंडरबोल्ट जो है, ऐसा लगता है कि ये कार्ड जो है निगेटिव, पर ये निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। क्योंकि जब अंधेरा होता है तभी सवेरा होता है। तो उनको उनके मन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी चिंताएं हैं उनको उनको एक साइड रख कर और उनको पॉजिटिव सोच रख कर और ईश्वर पर भरोसा रख कर उनको कार्य करना है। और जब वो ये कार्य करते हैं तो फिर वो पाएंगे कि वो उनका असली रूप उनके सामने आ रहा है। वो जो है वो उनके सामने खुद ही आ रहा है। रियल लाइफ उनका जो है, रियल फेस जो उनका है, वो खुद ही उनके पास आएगा। और इस तरीके से अगर वो करते हैं तो उनको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होगी। जून के महीने में स्कॉर्पियो वालों को किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होगी और वो उनके अंदर द मास्टर, उनका जो माइंड है बहुत अच्छा काम करेगा। वो बहुत ही अच्छा मतलब विचार कर सकते हैं, एक विचारक और एक दार्शनिक प्रवृत्ति के रह सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव और धार्मिक रह सकते हैं। उनको थोड़ा सा ध्यान योग मेडिटेशन करना है जून के महीने में।
अगर आपको योग नहीं आता तो ध्यान योग नहीं आता तो आप 5 मिनट 10 मिनट जब आप पूजा करते हैं तो वहां पर आप आंख बंद करके ओम नमः शिवाय बोले, वो कोई भी बोल सकता है भगवान को प्रणाम करके, और 5-10 मिनट आप अपने आंखों को बंद करके वहां पर बैठ सकते हैं, तो वो भी आपके लिए ध्यान का काम करेगा और आपको बहुत मानसिक शांति प्रदान करेगा। और उनके लिए सेलिब्रेशन कार्ड आया है जो कि सफलता कहलाता है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो जून के महीने में उनके लाइफ में कुछ सक्सेस आने वाला है और कुछ पॉजिटिव चीजें आने वाली है, बस उनको थोड़ा सा अपने ऊपर कार्य करना है। उनके लिए जब हमने सजेशन कार्ड निकाला तो स्ट्रेस आया है, तो ऐसा लगता है कि वो मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट में, जैसे कि हमने स्टार्टिंग से देखा कि वो थोड़े स्ट्रेस में है, जब वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान है, स्ट्रेस में है, तभी उनको ये सारे कार्य करने हैं और उसके बाद फिर उनको सफलता मिलेगी। तो एडवाइस कार्ड ये है कि उनको स्ट्रेस नहीं लेना है, उनको तनाव नहीं लेना है, सब कुछ अच्छा होगा। ये रहा वृश्चिक राशि के जून का राशिफल। अब हम देखेंगे मीन राशि वालों का जो है जून के महीने में उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। उनके लिए हमने कार्ड सफल किए हैं, तो उनके लिए आया है कंट्रोल कार्ड, वी आर दी वर्ल्ड कार्ड, फ्लोरिंग कार्ड और न्यू विजन कार्ड, सेलिब्रेशन कार्ड। तो मीन राशि वालों का जून का जो एनर्जी है ऐसा है कि वो किसी बात को उनको कंट्रोल करना है, उनको किसी बात को अपना कंट्रोल करना है, चाहे उनकी कुछ हैबिट्स है, चाहे उनकी कुछ सोच है, या फिर उनकी कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको उनको कंट्रोल करना है। जब वो कंट्रोल करते हैं तो उनको किसी न किसी इंटरनेट के जरिए, वी आर दी वर्ल्ड मेरे को ऐसा आ रहा है मीन राशि वालों के लिए कि कुछ ना कुछ इंटरनेट के जरिए उनको अच्छी चीजें प्राप्त होंगी। जब वो अपनी कोई निगेटिविटी चीज को कंट्रोल करेंगे तो उनको इंटरनेट के जरिए, नेट के जरिए या मेल के जरिए या फोन के जरिए उनको कुछ अच्छी चीजें, अच्छे विचार, अच्छी बातें उनको प्राप्त होगी। उसके बाद वो फ्लोरिंग करेंगे, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, कुछ नया कार्य करने की उनको एनर्जी प्राप्त होगी। और उसके बाद वो न्यू विज़न, वो कुछ नए राह में वो कुछ नया कार्य करेंगे, न्यू विज़न, वो उसके बाद वो न्यू विज़न करेंगे, उसके बाद उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। सेलिब्रेशन का कार्ड, 3 नंबर का कार्ड, उनको इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। उनके लिए एडवाइस कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड जो है उल्टा आया है, उनके लिए एडवाइस कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड उल्टा आया है। तो अभी फिलहाल उनको जून के कम से कम मिड जून, हो सके तो पूरे जून में उनको ट्रैवलिंग कम से कम करना है, या फिर अगर जरूरी ना हो तो उनको ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। और अगर वो सफर में जाते हैं तो उनको अगर बहुत जरूरी है काम के सिलसिले में तो उनको एक बार श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। तो ये रही जल तत्व की राशियाँ, हम मिलते हैं फिर से और तत्व की राशियाँ लेकर। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आप अपने परिवार के साथ सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।